गुड मॉर्निंग विद्यार्थी, फिर हाजिर हो गए फलदाई बैच फ्रूटी बैच को लेकर आपके सामने। और आज आपको टॉपिक हम पढ़ाएंगे एलजेब्रा में मैट्रिसेस। मैट्रिसेस से आधारित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग का टाइम है, आप भी पूरे फ्रेश होंगे और आइए अभी जो बताएंगे वो आपके समझ में भी आएगा। शुरू करते हैं। एलजेब्रा का चैप्टर मैट्रिसेज है, ऐसा चैप्टर है जिससे कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है। बड़ी सिंपल होता है, आप जरूर पढ़े भी होंगे अच्छा से, आपको समझ में भी आएगा, पूरे गारंटी है। वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार रोज़ सुबह 5 बजे आपसे मुलाकात होगी कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ चैप्टर्स के साथ, वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ 3x3 ऑर्डर इज फॉर्म्ड हुज एलिमेंट्स आर आइदर 0 और 1। 0 या 1 अवयव ही लेना है आपको और इससे 3x3 का कुल कितना मैट्रिसेज बनेगा, कितना बार एग्जाम में पूछ चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे। इसका सॉल्यूशन समझिएगा। एलिमेंट्स क्या क्या दिया है भाई? एलिमेंट्स दिया है 0 या 1, दो ही अवयव है। और ऑर्डर क्या दिया है? 3x3। 3x3 का हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस, 3x3 का कुल कितना मैट्रिक्स बन सकता है? तो देखिए 3x3 में जगह जो होगा 9 गो जगह होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 गो जगह होगा। 3 रो है और 3 कॉलम है, 9 गो जगह हुआ। इस जगह में या तो आप 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बताना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस। आप क्लास 11th में मैथ्स में परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें कुछ खाली स्थान को दिए गए संख्या से भरना होता है। पहला खाली स्थान के जगह पर या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, यानी पहला स्थान को भरने का 2 तरीका हुआ, दूसरे स्थान को भी भरने का 2 तरीका हुआ, तीसरे स्थान पे भी या तो 0 या 1 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 ही अवयव हमको मालूम है। ऐसे करके 9 टर्म्स 9 पदों तक ऐसा लिखेंगे, यानी 2 का पावर 9, कुल मिला के 512 आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे तो 2 का पावर 9 होगा और 2 के पावर 9 कितना होता है? 512 होता है। 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32 दुना 64 दुना 128, 128 दुना 256 दुना 512। तो एलिमेंट 0, 1 है, ऑर्डर 3x3 का है, तो जगह तो 9 गो होगा। प्रत्येक जगह को 2-2 तरीका से हम भर सकते हैं। इस प्रकार से 2 to the power 9, दैट मीन्स 512 मैट्रिक्स का संख्या मिल गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कम्बिनेशन का चैप्टर क्लास 11th का उसी कंसेप्ट से बना है। उसमें सिखाया गया है कि कोई ये काम एम तरीका से हो, दूसरा काम एन तरीका से हो, और पहले का काम करने के बाद दूसरा काम हो, तो दोनों काम एक साथ गुना करने से निकल जाता है कि दोनों काम को एक साथ कितना तरह से हम कितना तरीका से कर सकते हैं। उसी से ही काउंटिंग निकलता है, उसी पे आधारित ही काउंटिंग है। समझ में आ गया? कमेंट मारो, लाइक करो। अगला क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स। क्या निकालना है आपको जी? इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए एक फॉर्मूला है कि ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए।
तो आपको अगर इनवर्स चाहिए तो डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कुल मिला के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके वन हो जाता है। एक तो ये हो गया। एडजॉइंट, दू बाई दू का एडजॉइंट निकालना हो, इसके लिए ट्रिक बताए हैं, सेम लिखा जाता है पहले जैसा दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको इंटरचेंज किया जाता है और इसका चिन्ह बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट कितना होगा बोलिए, चेंज कीजिए तो कॉस थीटा है, बदलेंगे तो अंतर पड़ेगा जी, नहीं पड़ेगा। तो ये कॉस थीटा, यहां पे भी कॉस थीटा, और इसका चिन्ह बदलना है, जो प्लस में है वो तो माइनस में हो जाए, और जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। माइनस साइन थीटा यहाँ प्लस साइन। अब ए इनवर्स निकाल लीजिए, होता है वन बटा डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए कितना है विद्यार्थी, वन है, और एडजॉइंट तो यही हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, आंसर यही हो गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में भी आ गया होगा। दो चीज निकालना है, एक डिटरमिनेंट ए का मान और एक एडजॉइंट ए का मान। ये एडजॉइंट ए जो निकल रहा है वो ट्रिक से निकल रहा है, दोनों निकल गया। फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, इसका यूज किए हैं, बन गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए दिया है आयोटा 0 0 आयोटा, और आपको ए स्क्वायर निकालना है, सॉल्यूशन समझा जाए। ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर होता है ए गुणा ए। ए कितना है, मैट्रिक्स है, चला चिन्ह मैट्रिक्स का। आयोटा 0 0 आयोटा, इसी से गुना करना होगा आयोटा 0 0 आयोटा में। आपको मालूम है कि गुणा होता है रो से कॉलम में, आइए फर्स्ट रो से गुना किया जाए। आयोटा स्क्वायर प्लस 0 गुना 0 माने 0, आयोटा स्क्वायर प्लस 0, इसी से सेकंड में, आयोटा से 0 में गुना होगा 0 प्लस इसमें भी गुना होगा 0। अब हम सेकंड वाला से दोनों में गुना करें, तो ये फर्स्ट वाला बना था, अब सेकंड वाला बनेगा, इससे फर्स्ट में 0 प्लस 0, इससे इसमें गुना कीजिए 0 प्लस आयोटा स्क्वायर, कुल मिला के आया आयोटा स्क्वायर 0 0 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस वन 0 0 माइनस वन, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी माइनस आई के बराबर। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनली एक हो बाकी 0 हो, बात समझ में आ गया। रो से किस में गुना किए, कॉलम में गुना किए।
इससे इसमें गुना होता है, इससे सेकंड में हुआ, इस सेकंड वाला से फर्स्ट में, सेकंड वाला से सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा यूनिक है, बीबीआई क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी आई के बराबर दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, अल्फा निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आयोटा है, ए कितना दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का मान है, सेम टू सेम लिख दिए हैं। ए का ट्रांसपोज लिखना है तो रो को कॉलम में लिखना पड़ेगा, रो को कॉलम में, ट्रांसपोज में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखाता है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में लिखाता है, साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर ए था सेम लिख दिए, प्लस ए का ट्रांसपोज था तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख, बराबर आयोटा है तो आयोटा लिख देंगे 1001। सॉल्व कीजिए, कॉस अल्फा मिलके 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मिलके 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा मिलके 0, कॉस अल्फा मिलके 2 कॉस अल्फा बराबर 1001। फिर कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1। सॉल्व कीजिए, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1/2, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1/2, इसलिए अल्फा हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 का मान 1/2 होता है, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 को पाई बाई 3 बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी दिया है, ए बी निकालना है, साधारण गुना है, बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछता है, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक उठा, 0110। नियम है कि रो से कॉलम में गुना होता है, इससे इसमें गुना होगा, एक में 0 से गुना होगा, या हम एक बार लिख ही दे रहे हैं, 1 × 0 फिर 1 से 1 में प्लस के साथ, इससे इसमें 1 × 1 1 × 0। अब आइए सेकेंड वाला से, इससे फर्स्ट में 0 × 0 1 × 1 0 × 0 1 × 1 0 × 0 1 × 1 इससे इसमें 0 × 1 1 × 0 0+1 माने 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ 0 हो गया। देखिए 0 ये हो गया प्लस 1 मिलके 1 होगा, 1+0 मिलके 1 होगा, 0+1 मिलके 1 होगा, 0+0 मिलके 0 होगा, पहले गुना होता है इसका ख्याल रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3 हैज डिटरमिनेंट 5। एक मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट का मान 5 है, ऑर्डर भी दिया है 3/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3A? 3A का वैल्यू बताना है। तो देखिए मैट्रिक्स में एक कंसेप्ट जान लीजिए, K का डिटरमिनेंट K के पावर ऑर्डर इनटू डिटरमिनेंट A के बराबर होता है, फॉर्मूला है याद रखिए। जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकलेगा, पावर में ऑर्डर होगा, इनटू में डिटरमिनेंट होगा। कांस्टेंट जो भी है बाहर निकला है, पावर में ऑर्डर माने 3 होगा और डिटरमिनेंट A होगा, 3×3=27 हो गया, डिटरमिनेंट A 5 है, 7×5=35 के 5 हासिल 3, 5×9=10 13, 13 135।
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का क्या मान होगा यदि फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो इसके लिए देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए जो है सिंगुलर है, देन सिंगुलर का हिंदी अव्युत्क्रमणीय होता है। सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए का मान निश्चित ही जीरो होता है, पढ़ाए हैं मैट्रिक्स में। तो बस इसका डिटर्मिनेंट आपको जीरो कर देना है चेला, सॉल्व कर लेना है। 4 × 5 − x, 2 × x+ बराबर का 0। ये 5 × 20 −4x −2x −2 बराबर 0। 20 में से 2 गया 18, 4 × 2 = 6 या 18 = 6x, एक्स बराबर 3 हो जाएगा, यही आंसर होगी। बहुत सिंपल है, इसे क्वेश्चन पूछा है 3-4 बार बोर्ड में पूछा है। स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर अगर है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट जीरो है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो कीजिए, सॉल्व कीजिए, बन जाता है। ये दिया रहता है मैट्रिक्स में, लेकिन इसके डिटर्मिनेंट को जीरो करना होता है सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। आइए अगला देखते हैं। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, इस प्रकार की ये दिया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट ए निकालना है। एक फॉर्मूला है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर एन माइनस वन। देखिए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए दिया हुआ है 64 और डिटर्मिनेंट ए हमको निकालना है, एन ऑर्डर है, ये हो जाएगा 64 बराबर डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ए निकल जाएगा √64 और 64 का वर्गमूल क्या होता है, ±8, यही आंसर होगा। ये डिटर्मिनेंट है, मॉडुलस नहीं है, इसका आंसर प्लस माइनस में आ सकता है। बताए थे कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, इट इज नॉट अ मॉडुलस। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो। डिटर्मिनेंट का मान पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो हो सकता है। आगे देखते हैं, ये स्क्वायर यहीं पे चढ़ा देना चाहिए था, प्लस माइनस। अब सुनिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आई दिया हुआ है। इस सवाल रिपीट हो गया है, इस सवाल अभी तुरंत बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो बनाए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग का समय है तो ये आपको सुबह में जगाना और कुछ क्वेश्चंस के साथ जगाना, इसका हैबिट हम बना रहे हैं जिससे फायदा होगा। सुबह में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और रिवीजन का खूब सुनहरा समय होता है, इसी बहाने आप मॉर्निंग में जग भी जाते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं, अपने लाइक और कमेंट से इस बात को बताएं। हम ज़रूर आपका लाइक और कमेंट देखते हैं और उससे इंस्पायर होकर फिर अगले लेक्चर बनाने के लिए एनर्जी मिलता है। आज इतना ही, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।